अस्सलामुअलैकुम, सुबह नौ न्यूज के साथ मैं हूँ मदीहा अजीम। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। इजलास तलब, इजलास मुलतवी, कानून साज असेंबली नए कायदे ऐवान का इंतखाब न कर सकी। नए कायदे ऐवान का इंतखाब आजाद कश्मीर की कोई भी सियासी जमात अददी अक्सरियत हासिल न कर सकी। रात गए तक सियासी नशिस्तों का सिलसिला जारी रहा। वजीर आजम आजाद कश्मीर के इंतखाब में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी अहमियत अख्तियार कर गए। सदर रियासत का ग्रुप जिसकी तरफ जाएगा वही वजीर आजम मुंतहिब हो जाएगा। पीटीआई में कोई धड़ा नहीं जो ग्रुप बंदी करेगा, वो अपनी सियासी कब्र खोदेगा। मेंबरान असेंबली की मशावरत से मुतफिका उम्मीदवार सामने लाया जाएगा। साबिक स्पीकर असेंबली असद कैसर की सहाफियों से गुफ्तगू। हुकूमत का आवाम को ईद का तोहफा, पेट्रोल मजीद महंगा, फी लीटर 10 रुपए महंगा करने की मंजूरी दे दी गई। भारत का रियासती जबर जारी, काबिज फौज के मजीद दस्ते भारती में तैनात कर दिए गए। आजन से एक नौजवान की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। बढ़ता माली खसारा खतरनाक करार, पाकिस्तान गैर जरूरी अखराजात और सब्सिडीज खत्म करके सालाना 2723 अरब की बचत कर सकता है। आलमी बैंक ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों तबसरों तजियों के लिए देखते रहिए सुबह नौ न्यूज़।